हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जगदीश शुक्ला और ये हमारा 18th लेक्चर है सर्कल के ऊपर और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस आर कॉन्ग्रुएंट। पी क्यू एंड आर एस कॉन्ग्रुएंट गिवन है एंड पी ओ आर एंगल पी ओ आर 70 गिवन है। सेंट्रल एंगल गिवन है 70 डिग्री और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स गिवन है। आर्क आर एस 80 गिवन है, ये आपका 80 गिवन है। फाइंड आर्क पी आर, आपको ये वाली आर्क फाइंड आउट करनी है। मैं रेड से मार्क करता हूँ जो जो फाइंड आउट करना है हमको। फर्स्ट पार्ट में हमको ये फाइंड आउट करना है, सेकेंड में आर क्यू एस ये वाला पार्ट, और थर्ड में आर क्यू एस आर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये थर्ड वाला पार्ट है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले हम आर पी आर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है वो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क के इक्वल होता है। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी आर। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी आर इक्वल्स टू 70 डिग्री हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं, आर क्यू एस फाइंड आउट करना है। आर क्यू एस तो इसके लिए हमें कुछ और भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा। ये वाली आर्क सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। रेड वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। ये हमको पता चल गया अभी जस्ट 70 है और ये 80 गिवन है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि व्हेन कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होती है ना वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट करके प्रॉपर्टी थी। तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो आर्क बना रहे हैं ना सेम सर्कल। तो जब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है ना वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी। तो ये 80 है तो ये भी आपका 80 हो गया। अभी हमको पूरे सर्कल का मेजरमेंट पता है, 360 होता है। इसमें से देखो सब कुछ मिल गया, ये आर्क मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये मिसिंग है। तो सबको ऐड करके इक्वल टू 360 करेंगे, या 360 में से ये तीनों को प्लस करके माइनस कर दो तो आपको ये आर्क क्यू एस मिल जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या लेगा कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रॉपर्टी लिख के, ये 80 है तो ये भी 80 बता दो। तो प्रॉपर्टीज को मैं ब्लू लाइन से लिख देता हूँ। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ दी, या तो सेम सर्कल होना चाहिए या तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होना चाहिए, बट यहाँ पे दो सर्कल है नहीं तो मैं सेम सर्कल ही लिखता हूँ, एक ही वर्ड कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ दी सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दो लाइन कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड्स तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगी, और इसका अपोजिट भी होता है।
अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क एस आर या आर एस, जो भी वर्ड यूज किया उन्होंने, आर एस वर्ड यूज किया, कॉन्ग्रुएंस टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। मेजर ऑफ आर्क आर एस गिवेन है 80 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू 80 डिग्री हो गया। अभी ये तीनों मिल गए अपने को, ये फर्स्ट पार्ट में मिला था तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस देंगे, और ये सेकंड पार्ट में मिल गया। अभी क्यू एस हमको मिल जाएगा, सब आर्क को प्लस कर दो, पी क्यू पी आर आर एस एन क्यू एस इक्वल्स टू 360 करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे और जो मिसिंग है क्यू एस वो मिल जाएगा। मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क पी आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल्स टू 360। सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू 360। सर्कल की सब आर्क्स का टोटल 360 होता है। अभी जो जो वैल्यूज गिवेन है वो लिख दो। पी क्यू गिवेन है 80 डिग्री, जस्ट इसको चाहिए तो नंबर 2 डाल दो या 1 डाल दो, प्लस पी आर हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 70 आया था अपना, प्लस आर एस गिवेन है 80। यहाँ पे देखो आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस वो तो फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 360। अब इन सबको प्लस कर दो, टू थर्टी आ जाएगा, प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल्स टू 360। 230 को वापस शिफ्ट कर दो, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस 360 माइनस 230, इसको सबट्रैक कर दो, 130 आ गया मेजर ऑफ आर्क क्यू एस। अभी चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हो, 130 यहाँ पे डाल दो और सबको प्लस करके देख लो, ये 130 और ये 70 200 हो जाएगा और ये 360 हो गया टोटल। तो आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट हमने कैसे किया कि एक तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट तो उनकी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए थी, फिर सबको प्लस करके 360 लिया और सॉल्व किया तो आंसर मिल गया। नेक्स्ट आर हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू एस आर, ये वाला आर्क क्यू से लेके आर तक। हमने क्यू एस तो फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी 130, और ये भी फाइंड आउट कर लिया 80, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस आर इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क एस आर। हम कोई भी आर्क को प्लस कब कर सकते जब उसमें कुछ कॉमन नहीं हो, कॉमन होगा तो डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। ये 130 डिग्री है और वो आपका 80 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 210, तो सेकंड पार्ट भी आपका लास्ट पार्ट भी आ गया, फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर 3.98 दो कॉर्ड्स है जो इंटरनली डिवीजन कर रहे हैं पॉइंट टी पे, इसकी प्रॉपर्टी भी हमने एक पढ़ी थी। गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, जेड एक्स 68 है, आर्क जेड एक्स 68 डिग्री है, एंड
वाई जेड भी गिवन है 44 डिग्री, ये दो आर्क गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में हमको जेड टी एक्स ये एंगल फाइंड आउट करना है। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जो आपको पेज नंबर 72 पे गिवन है। पेज नंबर 72 पे पॉइंट नंबर 9 है, रिमेंबर दिस करके, नंबर 9 पे दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में, कि ये जो एंगल्स ढूंढने होते हैं ना, जो सेंटर पे नहीं बन रहे, सेंटर पे बन रहे तो सेम हो जाता है, ये 68 है तो ये भी 68 हो जाता, बट ये सेंटर पे नहीं बन रहा है, ये सर्कल पे कहीं और बन रहा है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये आर्क के सम का हाफ होता है, मतलब उसके जो अपोजिट आर्क्स है, जैसे कि ये एंगल का अपोजिट, एक तो ये 68 है और यहाँ पे ये 44 है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। जैसे कि सपोज आपको ये एंगल ढूंढना है, तो ये एंगल इस आर्क में बन रहा है, ये आर्क प्लस इसके जो अपोजिट आर्क है वो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दो तो वो पेज नंबर की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे। तो आपका एंगल है जेड टी एक्स, फर्स्ट पार्ट है आपका एंगल जेड टी एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क, जो भी वर्ड यूज किया उन्होंने, वाई जेड डब्ल्यू वाई प्लस मेजर ऑफ आर्क जेड एक्स एंगल जेड टी एक्स हाफ वाई जेड 44 गिवन है प्लस 68 डिग्री, तो जेड टी एक्स इक्वल्स टू हाफ, इन दोनों को प्लस कर दो, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 6 प्लस 4 10, प्लस 1 11, तो 112 को हाफ कर दो, 100 का आधा 50 और 6 56 डिग्री हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, तो इसका आंसर कितना आ गया 56 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो डब्ल्यू टी गिवन है 4.8 एंड टी एक्स 8.0 लिखो या 8 लिखो एक ही बात है, वाई टी 6.4 और हमें फाइंड करना है टी जेड, बहुत ही सिंपल है, ये दोनों कॉर्ड्स इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ये इंटू ये इक्वल्स टू ये इंटू ये हो गया। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है कॉर्ड्स डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड इंटरसेक्ट्स ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट टी, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स जो उनके रेक्टेंगल्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इक्वल्स टू वाई टी इंटू टी जेड, जो भी वैल्यूज गिवन है पुट कर दो, 4.8 इंटू टी एक्स है 8, वाई टी 6.4 एंड टी जेड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भेज दो, 4.8 इंटू 0.8 8.0 अपॉन 6.4 टी जेड, आप इसको चाहिए तो खाली 8 ही लिखो, कोई इशू नहीं है, डेसिमल के बाद जीरो का को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डेसिमल को एलिमिनेट करना है तो इंटू 10 कर दो, तो ये आपका हो गया 48 इंटू 8 बाय 64। अब इसको कैंसिलेशन कर देते हैं,
एट वन ज़ा एंड एट एट ज़ा, फिर से एट वन ज़ा एट सिक्स ज़ा, तो आपका टी जेड आ गया सिक्स। तो नेक्स्ट क्या दिया, डब्ल्यू एक्स गिवन है 25, इस बार पूरा गिवन है 25, वाई टी एट है, ये वाला पोर्शन 8 है, एंड वाई जेड पूरा दिया हुआ है 26 दिया है। तो ये पूरा 26 है और ये 8 है, तो 26 माइनस 8 कर देंगे तो ये आपका 18 मिल गया, 18 प्लस 8 26 होता है, और हमको पूरा गिवन है और डब्ल्यू टी फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये पूरा 25 है और ये एक्स है, तो पूरे में से एक्स किया तो ये बचा 25 माइनस एक्स, तो ये वैल्यूज लेके सॉल्व करके एक्स फाइंड आउट करना है अपने को, और एक्स मिल जाएगा तो अपने को डब्ल्यू टी मिल गया। तो यहाँ पे पहले अजम्पशन ले लेते हैं, ये आपका थर्ड वन है, लेट डब्ल्यू टी इक्वल्स टू एक्स। अब ये तीनों को फाइंड आउट कर दो, ये एक्स माना तो अभी ये भी ढूंढना है, एक्स टी या टी एक्स जो भी वर्ड यूज़ किया उन्होंने, डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू टी प्लस टी एक्स, डब्ल्यू टी एक्स, ये तीनों कोलिनियर है, ये 25 गिवन है और ये एक्स जस्ट ऊपर अज्यूम किया डब्ल्यू टी एक्स है, तो एक्स को यहाँ भेज दो, टी एक्स आ गया 25 माइनस एक्स। सेम वे इसको भी ले लो, वाई जेड वाई टी प्लस टी जेड, वाई जेड गिवन है 26, वाई टी एट गिवन है और टी जेड अपने को चाहिए, देयरफॉर टी जेड इक्वल्स टू 26 माइनस 8, तो टी जेड आपका मिल गया 18। बाकी का प्रोसेस सेम है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाकी का तो ये सब सेम ही लिखना है आपको। अब इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स या एक्स टी जो भी वर्ड यूज़ किया हमने, वाई टी इंटू टी जेड, वैल्यू जो निकाली पुट कर दो, डब्ल्यू टी हमारा एक्स था यहाँ पे अज्यूम किया हमने, टी एक्स 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, वाई टी 8 है एंड टी जेड 18 है, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 25 इंटू एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18 एट ज़ा 144 हो जाएगा। अब ये दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये एक्स नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 25 पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और 144 तो कहीं गया नहीं, तो ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो 144 के फैक्टर निकालिए, अगर आपको टेबल से याद है तो फटाफट हो जाएगा। अगर आप 69 ज़्यादा देखते हैं तो 144 होता है और 16 प्लस 9 25 भी होता है, या तो फिर आप ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं, 272 ज़ा 236 ज़ा 218 ज़ा 29 ज़ा 33 ज़ा एंड 13 ज़ा। टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, टू ज़ा 16, देखो ये 16 आ गया और ये 9 आ गया। अभी 16 नेगेटिव होगा, 9 भी नेगेटिव होगा, माइनस 16 माइनस 9 देखोगे तो माइनस 25 होता है, और माइनस 16 इंटू माइनस 9 प्लस 144 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 144 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 16, 9 कॉमन ले लो, x पॉजिटिव का नेगेटिव, जब नेगेटिव कॉमन आएगा तो साइन चेंज,
और 9 से डिवाइड दो 144 में, आपको 16 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लो x माइनस 16 दोनों में है, तो रिमाइंडर के आपका x माइनस 6 x माइनस 9, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो x माइनस 6 जीरो है या फिर x माइनस 9 जीरो है, तो x के आपके दो आंसर पॉसिबल है, 16 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी टॉपिक यहाँ पे घुस गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गिवन है आर्क C54, ये आपको 54 गिवन है एंड आर्क BD ये आपको गिवन है 23, और हमको एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। ये आपको बुक में पेज नंबर 73 पे एक प्रॉपर्टी गिवन है, पेज नंबर 73 पे आपका रिमेंबर दिस मैप 10th पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, कि जब भी कोई सिकेंट एक्सटीरियर एंगल बनाते, हमने दो प्रॉपर्टी देखी, एक तो अंदर बनाते हैं और एक बाहर बनाते हैं। अंदर बनाते तो उनके सम का हाफ होता है वो आर्क, और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस का हाफ होगा, तो वो प्रॉपर्टी को रिफर करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंगल CAE जो आपका ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बाहर बन रहा है, वो हाफ होगा डिफरेंस ऑफ आर्क। ये आर्क जो भी वर्ड इसने यूज़ किया है सी, या तो हाफ आप कॉमन ले लो, मेजर ऑफ आर्क सी माइनस मेजर ऑफ आर्क BD। जब भी एंगल बाहर रहेगा तो नेगेटिव साइन आएगी और जब अंदर रहेगा तो पॉजिटिव आएगी, बस इतना ही फर्क है। तो हाफ ये 54 है माइनस 23, तो ये आपका रहेगा 31 डिग्री, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, तो 31 का हाफ 15.5 डिग्री, 30 का हाफ 15 हो गया और 1 का आधा 0.5, तो 15.5 डिग्री आपको मिल गया ये CAE। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी गिवन है 4.2, बी सी 5.4 है, ए 12 है, पूरा 12 है एंड ए डी फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे जो दो कॉर्ड्स बोल सकते हैं सीकेंट एक्सटर्नल डिवीज़न कर रहे हैं, बाहर कट रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न ऑफ कॉर्ड से आपको मिल जाएगा ए बी इंटू ए सी करना है। तो मैं सबसे पहले तो एक तो ए सी ढूंढना पड़ेगा, ए सी गिवन नहीं है, इन दोनों को प्लस करना है सिंपली, और ए डी इंटू ए ई, तो ए ई है हमारे पास 12, ए डी मिसिंग है, तो इससे मिसिंग मिल जाएगा। तो पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी प्लस बी सी, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ए बी सी, ए बी आपका 4.2 है और ये आपका 5.4 है, तो ए सी हो गया आपका 4 प्लस 5 9.6, तो ये आपका एक रेफरेंस के लिए आएगा काम में आगे। कॉर्ड्स बी सी एंड डी या सी बी एन ई डी, सी बी एन ई डी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं
देयरफोर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, देयरफोर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना है, पहले आपको ये बार का नाम ले लो ए बी इनटू पूरा लो ए सी, सेम नीचे ए डी इनटू ए ई, ए डी इनटू ए ई जो जो गिवन है सब लिख दो, ए बी 4.2, ए सी जस्ट निकाला 9.6, ए डी मिसिंग है फाइंड आउट करना है एंड ए ई 12 गिवन है। अभी 12 को यहाँ पे भेज दो तो 4.2 इंटू 9.6 अपॉन 12, अगर डेसिमल से डर लग रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो डेसिमल चला जाएगा आपका, इंटू 100 अपॉन 100 तो ये आपका 42 इंटू 96, 100 का मल्टीप्लाई क्यों, डेसिमल के बाद दो डिजिट है एक इधर और एक यहाँ पे, अपॉन 12 इंटू 100। अभी कैंसिलेशन कर दो, अगर आपको चाहिए तो बड़े नंबर से कैंसिलेशन कर सकते हैं या तो छोटे से कर सकते हैं। ट्वेल्व वन ज़ा और 12 एट ज़ा, फिर और कुछ कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं, अगर करना है तो कर सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 100 से डिवाइड दे दो, बहुत सिंपल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 इंटू 2, 8 टू ज़ा 16, कैरी किया 1, 8 फोर ज़ा 32 प्लस 1 33 अपॉन 100 है ए डी, तो 100 से डिवाइड देना बहुत ही सिंपल होता है, दो दो नंबर है तो पीछे तो दो डिजिट छोड़ के डेसिमल डाल दो 3.36, तो आपको ए डी मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी गिवन है 3.6, ए सी गिवन है पूरा 9, ए डी 5.4 है और पूरा फाइंड आउट करना है, मीन्स और भी अच्छी बात है, वैसे भी हम पूरा ही लेते हैं, तो सेम ही है सब कुछ, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ये भी सेम रहेगा, खाली वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका ए बी कितना है 3.6 है, ए सी 9 गिवन है, ए डी 5.4 है और ए ई फाइंड आउट करना है। ये हम प्रोडक्ट से यहाँ पे भेज दो डिवीज़न, 3.6 इंटू 9 बाय 5.4, डेसिमल हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आप 36 इंटू 9, पहले मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, कैंसिलेशन करो जितना होता है उतना, इसको 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 वन ज़ा एंड 9 सिक्स ज़ा, फिर 6 वन ज़ा 6 सिक्स ज़ा, कितना सिंपल हो गया, ए ही मिल गया आपको 6। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।